वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक सेक्शन कवर करेंगे, सेक्शन 9, जिसमें डिस्कस हुए हैं कि प्रॉमिसेस जो हैं वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों हो सकते हैं। तो पहले हम एक्सप्रेस्ड जो है प्रॉमिसेस की बात करते हैं। इफ़ द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स, द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। तो प्रपोजल मतलब ऑफर, और एक्सेप्टेंस जो है वो अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ भी वर्ड्स में है तो वो प्रॉमिस जो है वो फिर एक्सप्रेस कहलाता है। तो इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो वर्ड्स में तो आपका जो है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हो सकती है, फेस टू फेस भी हो सकती है, और रिटन कम्युनिकेशन भी हो सकती है। तो लेट्स से कि टू पार्टीज हैं, एक पार्टी दूसरे को ये ऑफर करती है कि आई वो उनकी एक कार 4 रुपीज़ 3 मिलियन बाय करना चाहते हैं। दूसरी पार्टी जो है वो उसे ये ऑफर पसंद आती है और वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये एक एक्सप्रेस प्रॉमिस होगा, एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होगा। सिमिलरली फेस टू फेस डिस्कशन के अंदर भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसे भी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। इसी तरह अगर रिटन कॉन्ट्रैक्ट कुछ पार्टी साइन करती हैं तो वो भी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि फिर एक्सप्रेस तो हो गया, तो इम्प्लाइड का मतलब क्या है। तो इम्प्लाइड का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर प्रपोजल या एक्सेप्टेंस जो है वो अदरवाइज देन इन वर्ड्स हो तो प्रॉमिस इज सेड टू बी इम्प्लाइड। तो फिर प्रॉमिस को इम्प्लाइड कंसिडर किया जाता है। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अलाउ करते हैं शू शाइनर को कि वो आपके शू पॉलिश कर दें, तो जो शू शाइनर हैं और जो आप हैं, आप दोनों के दरमियान एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। और बाज़ुकात हो सकता है कि दोनों पार्टीज ने एक दूसरे से कोई वर्ड्स एक्सचेंज ना किए हों। जैसे बाज़ुकात ऐसा होता है कि क्राउडी प्लेस होती है और उस पर आप एक जगह पे बैठे हुए हैं, शू शाइनर जो है डिफरेंट जगह पे सर्विसेज ऑफर कर रहा है, आपने शूज उतार के साइड पे रखे हुए थे लेट से, या नहीं भी रखे हुए थे, तो वो बाज़ुकात वैसे ही जो है पकड़ के भी करना शुरू कर देते हैं कि जी दे वांट टू गिव यू सर्विसेज। तो वो अगर ऐसा करते हैं और आप अलाउ कर देते हैं उन्हें ये करना, यानी आप अपने कंडक्ट से शो कर देते हैं, ना उन्होंने कोई लफ्ज़ बोला ना आपने कोई लफ्ज़ बोला, तो उन्होंने अपना शू शाइनिंग कर दी, आप उसके बाद उनको रीजनेबल जो पैसे बनते हैं उसके जो रेट है रूटीन का वो पे करने के फिर पाबंद हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा आल्दो के पार्टीज के दरमियान कोई वर्ड्स एक्सचेंज नहीं हुए। सिमिलर वे में आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और वहाँ पर एक कुली जो है वो आपका सामान आके उठा लेता है और आप उसको अपना टिकट वगैरह दिखा देते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो आपका सामान इस जो टिकट के अंदर जो ट्रेन या प्लेटफॉर्म मेंशन है वहाँ तक ले जाए। तो वो उस प्लेटफॉर्म तक जब आपका सामान लेकर जाता है तो उसके जो रीजनेबल चार्जेस बनते हैं, अक्सर इनके पर जो विजिट चार्जेस होते हैं वेट के हिसाब से वो डिफाइंड भी होते हैं, उनके लिखे हुए भी होते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, तो वो आपको फिर रीजनेबल चार्जेस उसके पे करने पड़ेंगे। तो ये दो कॉन्सेप्ट बेसिकली थे कि जी एक एक्सप्रेस प्रोमिसेस भी हो सकते हैं जिसमें वर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, और वर्ड्स के बगैर भी इवन ये पॉसिबल है कि प्रोमिस एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, और इस सिचुएशन में भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज इट इज अप्लाई होगा। तो कुछ ऐसे लॉ में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनका खास तौर पे रिक्वायरमेंट है कि राइटिंग में होना ज़रूरी है, जैसे लैंड की रजिस्ट्री, तो वो इम्प्लाइड नहीं हो सकता, वो ऑरली बोल के नहीं हो सकता। बट अदर देन दैट, जो जनरल हम कॉन्ट्रैक्ट्स पर बात करें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, वो इम्प्लाइड भी हो सकते हैं, वो लिखकर भी हो सकते हैं, वो बोलकर भी हो सकते हैं, बाय कंडक्ट भी हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।